नमस्कार मित्रों, सहपाठियों एवं शिक्षक साथियों, उम्मीद करता हूं कि आप सकुशल होंगे और आगे आने वाला भी समय आपके लिए बेहतर साबित हो, मैं ऐसा कामना करता हूं। तो दोस्तों, आज मेरा सीटेट का तीसरा क्लास है। पहला दो क्लास में मैंने आपको सीडीपी के बारे में बताया था कि सी से चाइल्ड बालक क्या है, डी से डेवलपमेंट विकास क्या है और पी से पेडागोजी शिक्षण शास्त्र क्या है। उसके बाद मैंने आपको दोस्तों बताया था कि बालक का काल क्या है, बालक का काल का उम्र बताया था, उसका विशेषता बताया था। फिर मैं दोस्तों आपको बाल मनोविज्ञान के बारे में बताया था कि उसके अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। फिर बाल मनोविज्ञान को बाल विकास क्यों कहा गया। फिर विकास का शैक्षिक और सहशैक्षिक पक्ष के बारे में बतलाया था। फिर मैं आपको बाल्यकाल, शैशवकाल, किशोरकाल, इसके बारे में बतलाया था। अब मैं दोस्तों आपको विकास पर चर्चा करूँगा। विकास का एक छोटा सा परिचय हम पिछला वीडियो में दे चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था कि विकास एक आयामी, द्विआयामी, त्रिआयामी नहीं, बल्कि विकास क्या होता है, तो विकास बहुआयामी होता है। तो आज हम उसी डायमेंशन का चर्चा करेंगे। ऐसे एक चीज़ और भी हमने आपको बताया था कि विकास परिमाणात्मक, मात्रात्मक, संख्यात्मक, गुणात्मक और व्यवहारात्मक होता है। तो आज का चर्चा होगा दोस्तों, विकास बहुआयामी होता है। कौन कौन सा आयाम है? सबसे पहला प्रश्न आता है कि विकास का निम्नलिखित में से कौन आयाम नहीं है, यानी चार ऑप्शन में तीन ऑप्शन उसका आयाम होगा और एक ऑप्शन उसका आयाम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विकास के कौन कौन आयाम हैं। आप लिख भी सकते हैं, तो सबसे पहला आप लिखिए शारीरिक विकास। पहला शारीरिक विकास, दूसरा मानसिक विकास, तीसरा भाषिक विकास, चौथा बौद्धिक विकास। फिर से सुन लीजिए, पहला शारीरिक, दूसरा मानसिक, तीसरा भाषिक, चौथा बौद्धिक। पांचवा लिखिए दोस्तों सांवेगिक विकास, छठा क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास, सातवां संज्ञानात्मक विकास, आठवां सामाजिक विकास, नौवां नैतिक विकास, दसवां आप सांस्कृतिक विकास भी लिख सकते हैं। तो मान लीजिए कि 10 आयाम इसका होता है। कौन कौन, पीछे से आप बोलिए तो याद हो जाएगा दोस्तों। शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषिक विकास, बौद्धिक विकास, सांवेगिक विकास, क्रियात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास। 5, 5, 10। इसमें एक ऑप्शन दे देता है कि आध्यात्मिक विकास है या नहीं। तो आध्यात्मिक विकास विकास के आयाम में नहीं आता है, यही याद रखना है दोस्तों। विकास के आयाम में आध्यात्मिक विकास नहीं आता है, बाकी सब आता है। अब हम दोस्तों विकास के सभी आयाम पर संक्षिप्त चर्चा करेंगे। जैसा कि मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि स्टार्टिंग में मेरा जो 8-10 क्लास होता है, वो ओवरऑल जो 22 चैप्टर है सीडीपी का, वो 22 चैप्टर को हम समग्र रूप से, समग्र यानी समग्र एकीकृत रूप से हम 10 क्लास में उसको बता देते हैं, ताकि जब चैप्टर शुरू हो तो उसके बारे में पूर्व ज्ञान कुछ ना कुछ विद्यार्थी के पास रहे, ताकि वह उस चैप्टर को बेहतर ढंग से समझ सके। तो पहले हम समग्र रूप से सीडीपी पर एक समझ स्थापित करते हैं। उसी कड़ी में हम आज विकास के आयाम पर एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले थोड़ा थोड़ा आपको जो 10 आयाम है उस पर हम थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त चर्चा कर देते हैं। सबसे पहला है दोस्तों शारीरिक विकास। देखिए, शारीरिक विकास से प्रश्न किस प्रकार का आता है, तो इस वीडियो में या जो भी मैं पढ़ाता हूं दोस्तों, किसी भी विषय वस्तु पर बहुत डीप नॉलेज नहीं देता हूं, क्योंकि डीपली नॉलेज लेने के लिए आपके पास गूगल और किताब और पाठ्य सामग्री भरा पड़ा है। हम आपको सिर्फ और सिर्फ वही बात बताएंगे जिससे आपका अवधारणा स्पष्ट हो जाए और एग्ज़ाम में आप गलती ना करें, और ख़ासकर उस चीज़ों को मैं बार बार दोहराता हूँ जिसमें स्टूडेंट गलती करते हैं। तो शारीरिक विकास से प्रश्न आता है दोस्तों कि शारीरिक विकास
बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है या नहीं है। यानी इस तरह से आएगा कि बच्चों के लिए महत्वपूर्ण आयाम निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए, बच्चों के लिए सबसे महत्वपूर्ण आयाम कौन है? शारीरिक विकास। जैसे अभी हम लोग नवयुवक हैं तो हमारे लिए शारीरिक विकास उतना ज़रूरी नहीं है जितना कि मानसिक, भाषिक और बौद्धिक विकास है। तो हम अभी किस पर ध्यान देते हैं? हम अभी सबसे ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाने में, भाषा को समृद्ध करने में। तो भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास, ये सब पर हम लोग अभी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं और शारीरिक विकास को थोड़ा कम ध्यान देते हैं। तो दोस्तों, लेकिन बच्चों के लिए सामाजिक, भाषिक और क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक, ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों बच्चों के लिए शारीरिक विकास, क्योंकि ज्यों ज्यों बच्चा का शारीरिक विकास होगा त्यों त्यों बच्चा का अन्य विकास का जो पहलू है साथ साथ बढ़ेगा। जैसे शारीरिक विकास बढ़ा तो फिर सामाजिक विकास भी बढ़ेगा, भाषिक विकास भी बढ़ेगा, फिर बौद्धिक विकास भी बढ़ेगा, फिर नैतिक विकास भी बढ़ेगा। परंतु जब शारीरिक विकास ही नहीं होगा तो फिर सब विकास धरा का धरा रह जाएगा। तो दोस्तों, सबसे बच्चों के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, क्या है? शारीरिक विकास। अब हम दूसरा विकास पर चर्चा करते हैं, मानसिक विकास। मानसिक विकास, भाषिक विकास आगे जाकर देखेंगे पियाजे के अनुसार सब एक ही हो जाता है। तो मानसिक विकास का सिंपल शब्द समझ लीजिए मानस, माइंड, माइंड का विकास होना। फिर तीसरा है आपको भाषिक विकास। भाषिक विकास मतलब भाषा का विकास, इसमें भाषा के कौशल का विकास होता है, जो हिंदी के पेडागोजी क्लास में हम पढ़ेंगे। इसमें दो शब्द हमें बार बार देखने को मिलता है, अर्जन और अधिगम। तो भाषाई विकास को बेहतर ढंग से समझने के लिए हमें अर्जन और अधिगम समझना होगा। तो चलिए दोस्तों, अर्जन और अधिगम हम देखते हैं। अर्जन और अधिगम क्या है? तो अर्जन, जब भी हम किसी चीज़ को सीखते हैं तो उसका तीन चरण होता है दोस्तों। सीखने का तीन चरण है। पहला, बच्चा स्वयं सीखता है। और दूसरा, जब स्वयं सीखता है और कुछ दिन या कुछ समय या कुछ चरण के बाद बच्चा स्वयं से सीखने में सक्षम नहीं होता है, तब वह दूसरों की मदद लेता है। तो दूसरों की मदद से सीखना, और जब दूसरों की मदद से सीख लेता है तो फिर आगे जाकर वह फिर स्वयं से सीखता है। तो स्वयं, दूसरा और फिर स्वयं, तो तीन चरण होता है दोस्तों। इसी तीन चरण में हम आगे जाकर वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास का सिद्धांत और निकटस्थ विकास का सिद्धांत भी पढ़ेंगे। तो अभी उस पर विस्तृत चर्चा ना करते हुए हम लोग अर्जन पर आते हैं। तो सीखने का जो तीन चरण है, जिसमें पहला चरण जो होता है बच्चा जब स्वयं से सीखता है दोस्तों, तो उसे ही हम अर्जन कहते हैं। तो बच्चा वातावरण से यूं ही सीख जाए, आसानी से सीख जाए, सरलता से सीख जाए, सुगमता से सीख जाए, बिना मेहनत के सीख जाए, स्वयं सीख जाए, तब वह क्या कहलाता है? अर्जन। क्या कहलाता है? अर्जन। इसमें कोई मेहनत नहीं लगता है, यह वातावरण में, अपने आसपास परिवेश से, परिवार से, समाज से बच्चा यूं ही सीख लेता है, वो अर्जन हो गया। अब दोस्तों, पहला चरण तो हो गया कि स्वयं सीख जाए, आसानी से सीख जाए। अब दोस्तों कुछ दूसरा चरण आएगा। दूसरा चरण क्या? दूसरा चरण में आएगा कि वह दूसरों के मदद से सीखेगा, तो शिक्षक के मदद से सीखेगा। अब जब दूसरे के मदद से सीख रहा है तो यह आसान नहीं था, यदि यह आसान रहता तो स्वयं सीख जाता। तो अधिगम क्या होगा दोस्तों? अधिगम दूसरों के मदद से सीखेगा, मेहनत से सीखेगा, आसानी से नहीं सीखेगा, कठिनाई से सीखेगा, यूं ही नहीं सीखेगा, सरलता, सुगमता, सहजता से नहीं सीखेगा, बल्कि कठिनाई से सीखेगा, मेहनत से सीखेगा और शिक्षक के सहयोग से सीखेगा। तो अधिगम हो गया दोस्तों। जैसे हम हिंदी भाषी लोगों के लिए हिंदी शुरू से ही आरामदायक होता है, कंफर्टेबल होता है, वहीं अंग्रेजी कठिन होता है। तो हिंदी हम वातावरण में शुरू से ही सीखते हैं, जहाँ भी जाते हैं वहाँ हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत होती है, तो हमारा दिमाग में हिंदी जाते रहता है। लेकिन इंग्लिश बहुत कम मिलता है, तो
तो इंग्लिश बहुत कम सीखते हैं, इंग्लिश सीखने में मेहनत लगता है। तो हिंदी भाषी क्षेत्र के लिए हिंदी अर्जन है या अधिगम? आसानी से सीखा दोस्तों तो क्या है? अर्जन है। और यदि कठिनाई से सीखता तो क्या होता? अधिगम। लेकिन विदेश में रहने वाले लोगों के लिए, विदेशी लोगों के लिए, या जो हिंदी भाषी लोग नहीं हैं, उनके लिए हिंदी क्या होगा? तो दूसरा भाषा हो जाएगा जो अधिगम कहलाएगा। तो हिंदी भाषी के लिए हिंदी अर्जन है, और जो हिंदी भाषी नहीं है, गैर हिंदी भाषी के लिए हिंदी क्या है? अधिगम है। जैसे हमारे लिए अंग्रेजी क्या है? अधिगम है। तो अधिगम और अर्जन समझ लिए दोस्तों। अब हम लोग आते हैं बौद्धिक विकास। बौद्धिक विकास में बुद्धि और अवधारणा पढ़ा जाता है। देखिए बुद्धि के बारे में कि जान लीजिए, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया कि बुद्धि कई तत्वों में विभक्त होता है, यानी बुद्धि भी बहुआयामी होता है। किसी को पढ़ने का बुद्धि है, किसी को गाना गाने का है, किसी को खेलने का है, किसी को कूदने का है, कोई गायन में है, कोई भाषण में है, कोई वाचन में है, कोई मंचन में है। तो बुद्धि एक आयामी द्विआयामी नहीं, बल्कि बुद्धि भी बहुआयामी होती है, हार्वर्ड गार्डनर ने बताया। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आता है, एक तो विकास बहुआयामी हुआ, फिर हमने देखा बुद्धि भी बहुआयामी है, यानी कई तत्वों में बटा हुआ है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों। आगे है सांवेगिक विकास, संवेग, इमोशन, इमोशनल डेवलपमेंट। देखिए इसमें हमको संवेग के बारे में पढ़ना है। संवेग क्या है? संवेग कोई वस्तु नहीं है जिसे हम छू सकते हैं, इसका कोई आकृति नहीं है, इसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। जैसे देखिए क्रोध, आप भी पीछे से बोल सकते हैं, क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, खुशी, आश्चर्य, स्नेह, डर, शर्मिंदगी इत्यादि, जो फीलिंग करने वाला चीज़ है, जिसको हम फील करते हैं, वो संवेग कहलाता है। प्रश्न आता है इनमें से कौन संवेग नहीं है, या इनमें से कौन संवेग है? तो कौन कौन? क्रोध, प्रेम, ईर्ष्या, खुशी, आश्चर्य, स्नेह, डर, शर्मिंदगी, ये सब क्या है दोस्तों? ये सब संवेग है। संवेग से एक और प्रश्न आता है, क्या संवेग अधिगम को प्रभावित करता है? क्या संवेग विकास को प्रभावित करता है? क्या संवेग ज्ञान को प्रभावित करता है? क्या संवेग संज्ञान को प्रभावित करता है? तो इसका उत्तर सुनिए दोस्तों, करता है। क्योंकि यदि हम क्रोधित होकर कक्षा कक्ष में पढ़ाने आएंगे तो उतने बेहतर ढंग से नहीं पढ़ा पाएंगे। बच्चा भी क्रोधित होकर पढ़ेगा तो क्या पढ़ पाएगा? डर, यदि बच्चा को हमसे डर लग रहा है तो वह अपनी समस्या को पूछ पाएगा? या हमको कक्षा कक्ष में जाने में शर्म लग रहा है तो क्या हम कक्षा कक्ष को सही ढंग से संचालित कर पाएंगे? नहीं। तो संवेग जो है संज्ञान को, ज्ञान को, अधिगम को प्रभावित करता है। क्योंकि संवेग और संज्ञान या अधिगम या विकास या ज्ञान एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब दोस्तों यहाँ भी प्रश्न पूछा जाता है, संवेग और संज्ञान के बीच का रिलेशन पूछा जाता है। तो देखिए कितना कन्फ्यूजन में आपको डालता है सीटेट। पहले पूछेगा एक दूसरे के पूरक हैं, तो हाँ हैं, हम जितना खुश रहेंगे उतना ही बेहतर हम नॉलेज गेन कर सकते हैं। तो संज्ञान और संवेग एक दूसरे के पूरक हैं, संबंधित हैं, परस्पर संबंधित हैं, अंतर संबंधित हैं, अंतर्निहित हैं, जुड़ा हुआ है, जुड़ाव है, इतना सारा ऑप्शन रहेगा। आपको एक ही चीज़ याद रखना है कि अलग नहीं है। यदि हम प्रेम से पढ़ाते हैं तभी बच्चे भी प्रेम से पढ़ेंगे। तो प्रेम का पढ़ाई से सीधा संबंध है दोस्तों, अलग नहीं है, अलग या स्वतंत्र नहीं है। तो संवेग या ज्ञान, देखिए अधिगम होगा तो विकास होगा, विकास होगा तो ज्ञान होगा, बुद्धि होगा, अज्ञान होगा तभी हम संज्ञान लेंगे, है ना? संज्ञान मतलब एक्शन लेंगे, ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे। तो दोस्तों ये सब आपस में संबंधित है, अंतर्निहित है, अंतर संबंधित है, सन्निहित है, अपूरक है। लेकिन क्या नहीं है? तो स्वतंत्र नहीं है, अलग नहीं है। एक ही मनोवैज्ञानिक ने बताया है जीजोंक कि संज्ञान और संवेग एक दूसरे के पूरक नहीं हैं, यानी स्वतंत्र हैं, अलग हैं।
लेकिन बाकी सभी लोगों ने बताया कि एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आपको याद रखना है संवेग का संज्ञान से सीधा संबंध है, प्रत्यक्ष संबंध है। जो भी मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, ये सारा चीज़ एग्जाम में पूछा हुआ है और इसी भाषा शैली से पूछा जाता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास। देखिए क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास क्या है, जब बच्चा क्रिया करना शुरू कर दे यानी अपना मांसपेशी का उपयोग करना शुरू कर दे, जब काम करेगा तो दो चीज़ होगा, छोटा और बड़ा। देखिए छोटा काम करेगा तो क्या हो जाएगा, लघु क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास, और बड़ा कार्य करेगा तब दीर्घ क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास। छोटा काम में क्या कि जहाँ छोटा छोटा हमारा मांसपेशी काम करे, लिखना पढ़ना बोलना, ये सब क्या है, लघु क्रियात्मक या गत्यात्मक विकास। उसके बाद दोस्तों एक है दीर्घ गत्यात्मक या क्रियात्मक, जैसे दौड़ना खेलना, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब हो जाएगा दीर्घ क्रियात्मक विकास। पूछेगा कि लिखना क्या है तो लघु क्रियात्मक, स्मॉल मोटर स्किल है, और दौड़ना लार्ज। बस इसमें यही दो प्रश्न बार बार पूछता है, लघु और दीर्घ। लघु जिसमें हम कम इस्तेमाल करें अपने मांसपेशी का, और दीर्घ जिसमें पूरा बॉडी काम करे, पढ़ना लिखना सब लघु में आ जाएगा। अब हम लोग आते हैं दोस्तों संज्ञानात्मक विकास और नैतिक विकास, सामाजिक विकास और सांस्कृतिक विकास। देखिए इसके बारे में बहुत संक्षिप्त चर्चा कर देते हैं। संज्ञानात्मक विकास जिसमें संज्ञान के बारे में हमको पढ़ना है, अधिसंज्ञान के बारे में भी पढ़ना है, स्कीमा के बारे में पढ़ना है, मनोबंध के बारे में पढ़ना है, अनुकूल पढ़ना है, आत्मसातीकरण पढ़ना है, उसके बाद समायोजन पढ़ना है, समावेशन पढ़ना है, ये सारा चीज़ लर्निंग बाय डूइंग हमको बहुत विस्तृत रूप से पढ़ना है जीन पियाजे में, संज्ञानात्मक विकास। तो आपको अभी एक ही लाइन याद रखना है, संज्ञानात्मक विकास पियाजे। आगे जाके हम पियाजे को प्रतिदिन थोड़ा 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 पढ़ेंगे। पियाजे पियाज नहीं है, पियाजे जीन पियाजे स्विट्जरलैंड का बाल मनोवैज्ञानिक है, उसने संज्ञानात्मक विकासात्मक सिद्धांत को बताया है। तो आज हम सिर्फ ये जानते हैं कि संज्ञानात्मक विकास में किसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, जीन पियाजे के बारे में, नैतिक विकास में लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में, और सामाजिक विकास में लेव वाइगोत्स्की के बारे में, और सांस्कृतिक विकास भी यही वाइगोत्स्की जी भी बताए हैं। तो अभी हम सिर्फ इसके बारे में जानते हैं, अगले वीडियो में हम इससे संबंधित शब्दावली को जानेंगे कि जैसे जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास से संबंधित शब्दावली क्या है, तो अनुकूलन है, समावेशन है, समायोजन है, आत्मसातीकरण है, स्कीमा है, मनोबंध है, लर्निंग बाय डूइंग है, ये सब पियाजे से संबंधित है। डायरेक्ट प्रश्न पूछता है कि स्कीमा किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है, तो पियाजे। फिर वाइगोत्स्की से पूछा जाता है स्कैफोल्डिंग, पार, ढांचा, समीपस्थ विकास का सिद्धांत, निकटस्थ विकास का सिद्धांत, SCL सोशल कल्चर लैंग्वेज सांस्कृतिक उपकरण के रूप में देखा जाता है भाषा को, है ना, भाषिक विकास पढ़ेंगे, भाषा संज्ञानात्मक विकास देखेंगे वाइगोत्स्की का है, तो इससे संबंधित शब्दावली को हम पहले देखेंगे, उसके बाद हम उस चैप्टर पर चलेंगे। तो माहौल बनेगा तभी पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की समझ में आएगा, और जब आप पियाजे कोहलबर्ग वाइगोत्स्की समझ लिए तो दोस्तों सीटेट पास, पास ही नहीं 100+ नंबर आएगा आपको। तो आज दोस्तों हम सिर्फ इतना ही देखेंगे, विकास के आयाम पर संक्षिप्त चर्चा हमने आज किया। तो दोस्तों आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, है ना, यदि आपको अच्छा लगे तो, और नहीं अच्छा लगे तो दो बार शेयर कीजिएगा तो अच्छा लगेगा दोस्तों, तभी हम आगे फिर वीडियो बनाएंगे। आप सब भी इसे शेयर कीजिए, आप सबका प्यार अभी तक हमें बहुत मिला है, उम्मीद करते हैं आगे और भी मिलता रहेगा, और हम भी इसी तरह से मुस्कुराते हुए वीडियो बनाते रहेंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।